YouTube चैनल तो हम लोग आज जो नवोदय विद्यालय पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जून 2019 को, तो उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग शुरुआती 2 लेक्चर्स में मैं 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी फिर से वैकेंसी आ चुकी है, नवोदय विद्यालय पीजीटी और पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी आ चुकी है, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्शन प्लान मैंने बताया था और सिलेबस बताया था। उसका जो एग्ज़ाम है 10 सितंबर से संभावित है, 10 सितंबर को। तो हम लोग उस पर क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं जो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 मंथ्स का कोर्स होगा जो है। अगर आप चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय में आपका जो सक्सेस को आप चाहते हैं कि आप उसमें सफल हों, आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएँ, तो निश्चित रूप से आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। उस कोर्स में वो जो हम लोग का कोर्स है उसका नाम लिखा गया क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर्स को जो है चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, और उसके बाद जो उसका हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो आज का हम लोगों का जो लेक्चर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमें स्टार्ट करना है 11 से। ये क्वेश्चन लिमिट से बेस्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्म चेक करते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, ये कितना होना साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0, और नीचे कितना होगा 0, तो कौन सा फॉर्म है 0 by 0 फॉर्म, ठीक है। देखो जब भी 0 by 0 फॉर्म बने तो आपके पास रियल हॉस्पिटल रूल का रूल होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो आसानी से लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा ना, इसका जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा और 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। मतलब एक बार करेंगे यहाँ पर 2x आएगा और फिर से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो क्यों ना कुछ ऐसे मेथड हों जिसके थ्रू करेंगे, इसमें हमें थोड़ा कम समय लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको मैंने लिखा साइन हाफ पाई, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसको लिखा एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा साइन साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई को मैंने डिवाइड कर दिया अभी तक, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लिमिट याद आनी चाहिए, वो लिमिट कौन सी है, लिमिट होती है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसको आपको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि साइन को जो भी एंगल दिया जाएगा वही एंगल नीचे होगा, और जो एंगल होगा अगर वो 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा अगर उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है 1, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए साइन का एंगल है पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो क्यों ना हम नीचे भी पाई साइन स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने नीचे लिख दिया पाई साइन स्क्वायर एक्स ताकि ये साइन थीटा बाई थीटा जैसा बन जाए, और अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स से पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और नीचे कितना था एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए ये किस तरीके का बनता है, साइन ऑफ जो इनपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, साइन ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, और इनपुट 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। जब एक्स 0 की तरफ टेंड होता है तो पाई साइन स्क्वायर एक्स साइन 0 कितना हुआ 0, ये भी इसकी तरफ टेंड करता है 0 की तरफ टेंड करता है, तो निश्चित रूप से हम इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। और ये एक्स 0 इसको दिया तो देखिए ये भी साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, मैं इसको यहाँ लिख लगा देता हूँ स्क्वायर। देखिए साइन थीटा बाई थीटा ये भी 1 की तरफ टेंड करेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा 1 × 1 × पाई, हमारा जो आंसर आ जाएगा पाई आ जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं पाई बाई टू पाई वन एंड माइनस पाई, तो पाई वाला आंसर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन
the planes 2x plus y plus z is equal to 7 and x minus y plus 2z is equal to 9. देखिए अगर मैं बात करूँ कि जब भी दो प्लेन दिए हुए हों A1 x 3D का क्वेश्चन है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन है, एक प्लेन है A1x plus B1y plus C1z plus D1 is equal to 0, सपोज एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन है A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equal to 0, अगर ये दो प्लेन दिए हुए हों और इसके बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है cos theta is equal to A1A2 plus B1B2 plus C1C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square and in second bracket A2 square plus B2 square plus C2 square. ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं cos theta is equal to, देखिए A1 A2 की बात करें तो 2 × 1 कितना हो गया 2, प्लस B1 B2 की बात करें B1 है 1 और B2 कितना माइनस हो कितना हो गया माइनस हो, C1 है 1 और C2 कितना है 2 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 A2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 बाई 6 का मतलब कितना होगा 1/2 और 1/2 कितना होता है cos 60°, 1/2 का cos 60°, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60°, इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 60°, तो कॉस ऑफ थीटा फ्रेंड्स सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 2/3/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7π/6 तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 12 बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का, तो सबसे पहले इस माइनस को बाहर ले सकते हैं बाई दिस फार्मूला और मुझे क्या लिखना है साइन इनवर्स रूट 3/2। आपको बताना रूट 3/2 कितने डिग्री का वैल्यू है, रूट 3/2 60° की वैल्यू है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 60° का मतलब 5/3, इसका आंसर आ गया माइनस 5/3। अब मुझे इस पे वर्क करना है, ठीक है, आई इस पे वर्क करते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा आता है तब व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो जब भी थीटा देखिए 0 to π होगा तभी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को हम थीटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट कभी कभी इसमें गड़बड़ी ये कर देते हैं, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखा तो उसका आंसर लिख देते हैं थीटा, ठीक है। बट ये थीटा आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पाई से ज़्यादा है ना, ये 210° है, पाई से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसको देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस देखिए पाई प्लस पाई बाई सिक्स मैंने लिखा है इसको, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना होता है 7π/6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस, तो ये सवाल को क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक। अब देखिए एक फार्मूला हमें और मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको हम क्या कहेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक है, इसको हमने लिखा पाई माइनस। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा और थीटा आ चुका है किसके बीच में 0 to π के बीच में, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा लिखते हैं, तो कितना हो गया पाई बाई सिक्स, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया पाई पाई बाई सिक्स। तो देखिए इस पार्ट का जो आंसर था वो तो आ रहा था माइनस पाई बाई थ्री और इस पार्ट का आंसर आ रहा है पाई पाई बाई सिक्स, दोनों ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा पाई पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए 6 बेस सेम हो गया, 5π माइनस 2π कितना हो गया 3π और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, कैंसिल किया तो आ जाएगा पाई बाई 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, सपोज ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स n इज इक्वल टू 6 एंड p, if 9 times p of x is equal to 4 is equal to p x is equal to 2 then the value of p is what। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया, क्लास 12 के एनसीईआरटी से रिलेटेड है प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक दो फार्मूले याद रखने हैं। देखिए p x is equal to r, इसको कहते हैं r सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए फार्मूला होता है, मैंने n ट्रायल किए, n बनाउलिस ट्रायल्स किया हमने और उसमें से r सक्सेस मुझे चाहिए,
इसके लिए फार्मूला होता है एन सी आर ई रेस टू आर और क्यू रेस टू एन माइनस आर। एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर क्या है एन ट्रायल्स में से कितने सक्सेस मिले आपको, व्हाट इज पी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, ये फार्मूला का इस्तेमाल करता है। देखिए अगर मैं बात करूँ एन आपको मालूम है एन इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, और आपको पी पता करना है। अब इस फार्मूले इसमें जो ये जो रिलेशन दिया गया इसमें वैल्यू रखते जा रहा हूँ, नाइन टाइम्स एक्स इज इक्वल टू फोर, देखिए आर की वैल्यू कितनी है फोर है और एन की वैल्यू कितनी है सिक्स, तो मैं फार्मूला क्या लिखूंगा सिक्स सी फोर और पी रेस टू फोर और क्यू रेस टू एन माइनस आर, सिक्स माइनस फोर कितना हो जाएगा टू। राइट हैंड साइड में अगर बात करें एक्स इज इक्वल टू टू तो आर की वैल्यू कितनी है टू और एन की वैल्यू कितनी है सिक्स, तो सिक्स सी टू फिर पी रेस टू टू और क्यू रेस टू सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा फोर। ठीक, देखिए सिक्स सी फोर सिक्स सी टू बराबर होते हैं तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये पी स्क्वायर इस पी स्क्वायर को कट करेगा, ये क्यू स्क्वायर इस क्यू स्क्वायर को कट करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा नाइन टाइम्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा मुझे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रॉबिलिटी ऑफ फेल्योर प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, पी प्लस क्यू कितना होता है वन, तो क्यू को हम लोग लिख देते हैं वन माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वन माइनस पी का स्क्वायर करें तो वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी मुझे मिलेगा, ये मिलेगा नाइन पी स्क्वायर, इसको लेफ्ट में बुलाएं तो कितना हो जाएगा एट पी स्क्वायर और लेफ्ट मिल गया तो प्लस टू पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एट का फैक्टर किया फोर और टू तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से एट पी स्क्वायर प्लस फोर पी माइनस टू पी और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या कॉमन मुझे मिलेगा फोर पी, तो यहाँ से मिलेगा फोर पी से क्या मिलेगा यहाँ से टू पी प्लस वन और यहाँ से माइनस वन कॉमन किया तो टू पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो पी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई टू और यहाँ से पी की वैल्यू कितने मिलेगी वन बाई फोर। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी निगेटिव तो हो नहीं सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है, कौन सा आंसर पॉसिबल होगा पी इज इक्वल टू वन बाई फोर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। फ्रेंड्स सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एट ओ इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, ए बी इज एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और जिसपे ओ एक पॉइंट है कहीं पे भी, पॉइंट ऑन लाइन ए बी, इफ वन ड्रॉज ए लाइन ओ सी नॉट कोइंसाइडिंग विद ओ ए आर ओ बी, मुझे ओ सी खींचना है जो कि न तो ओ ए से कोइंसाइड करे न तो ओ बी से कोइंसाइड करे, मैं ऐसे खींच देता हूँ ओ सी मैंने खींचा जो कि न तो ओ ए से कोइंसाइड करता है न तो ओ बी से कोइंसाइड करता है, देन एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी मीन्स ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल, ये कैसे होंगे पूछा जा रहा है, सप्लीमेंट्री होंगे टुगेदर इक्वल टू 130, इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो फ्रेंड्स ये क्लास नाइन्थ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से फिगर देखने के बाद आप समझ ही रहे होंगे ये जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा 180, तो अगर दो एंगल्स इनका सम 180 होता है तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाए जाते हैं बताइए आप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जब करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक और नहीं भूलिए।